जैन, चलिए चर्चा करते हैं सती प्रथा पर। सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं समाज के लिए एक कलंक के समान है। इस प्रकार की कुप्रथाएं समाज में महिलाओं के खिलाफ एक अन्याय की भावना को जागृत करती हैं, जिसमें सती प्रथा के अंतर्गत जो भी महिलाएं रहती थी, जब उनके पति का देहांत हो जाता था या वह युद्ध में मार दिया जाता था या युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हो जाता था, तब उसके पति के साथ भी उसकी पत्नी को जला दिया जाता था, जिसमें कुछ तो थी जो अपनी मर्जी से सती हो जाती थी अपनी सत्यता के दम पर, लेकिन जो कुछ महिलाएं थी वो अपनी मर्जी के खिलाफ रहती थी। उसमें से कुछ महिलाएं जो थी वो सती नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्हें इस प्रथा के अंतर्गत उन्हें भी सती होना पड़ता। तो इस प्रथा के अंतर्गत ना जाने कितने परिवारों को खत्म कर दिया गया और ना जाने कितने बच्चों को उनकी माओ का आसरा छीन लिया गया। उन्हें उनका प्यार ही नहीं मिला, उन्हें उनके ममता भी नहीं मिली, तो उन्हें उनका आसरा ही छीन लिया गया। तो ये जो प्रथा फैली थी बहुत ही ज्यादा गंदी प्रथा थी समाज में महिलाओं के प्रति। यह समाज में जो फैली व्यवस्था थी यह सिर्फ अन्याय को ही जन्म देती थी, उनके प्रति अन्याय ही फैलाती थी। तो यह जो प्रथा थी इसके बारे में भी चर्चा कर लेते कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। अगर हम बात करें कि यह प्रथा की स्टार्टिंग कैसे हुई, यानी इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसका इतिहास हमें मिलता है गुप्त काल से। इसे गुप्त काल से लगभग 510 ईसा पूर्व के आसपास इस प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। लगभग 510 ईसा पूर्व हमें इस प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। उस समय एक महाराजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाराजा भानु प्रताप। एक महाराजा थे। महाराजा का मतलब होता है बहुत बड़ा राजा, जिसके अंतर्गत बहुत सारे राजा कार्य करे। 150 राजा तो कम से कम होने ही चाहिए, उसके उसे महाराजा कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक राजा हो गए और अपने क्षेत्र में उन्होंने उस पर अधिकार कर लिया, वो महाराजा हो गया। महाराजा का मतलब होता है महा, मतलब 10-50 राजा तो उसके अंडर में रहे, जो भी अपने मनमानी करते डांट दे उसे तुरंत। उसको अपने अंडर में, जो अपने अंडर में लगभग 10-20-50 राजाओं को अपने अंडर में रखता हो उसे ही महाराजा कहते हैं। इसके पास अथाह पैसा हो, अथाह क्या उसकी भी था होगी, लेकिन जी उसे गिनने में भी बहुत सारी दिक्कतें हो, उसको गिना ना जा सके इतनी जल्दी, तो उसे अथाह कहते हैं। तो इतने ज्यादा उसके पास धन हो जिसकी कोई गिनती ना हो उसे महाराजा कहते हैं। बाकी ये छोटे मोटे एरिया पे राज करना वो महाराजा थोड़ी हो, इन्हें उस एरिया का सरदार कह सकते हैं, लेकिन राजा भी होते थे। ऐसा नहीं है राजा थे राजाओं के, लेकिन जब जो राजाओं पर भी अधिकार करे उसे महाराजा कहते हैं, जिसके पास बहुत सारा धन हो। तो महाराजा एक भानु प्रताप थे। भानु प्रताप के ही परिवार में एक राजघराने में एक राजा थे जिनका नाम था गोपराज। ये जो गोपराज थे तो ये इन्हीं के राजघराने से ही थे, महाराजा भानु प्रताप के, जो भी गया शत्रुओं के द्वारा। जब गोपराज की मृत्यु हो गई तो जो महाराजा गोपराज की पत्नी थी, तो इसकी पत्नी के अंदर इतना सत्यता थी, इसकी पत्नी ने सोचा कि हमारे पति की तो मृत्यु हो गई है, अब इसके बिना तो हमारा जीवन बेकार है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। तो उसने अपने सत्यता के दम पर उसने अपने आप को सती कर लिया। उसने अपनी सत्यता के दम पर सती किया था। उसे उसे लगा कि हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है हमारे पति की। उन्होंने सोचा कि यार जब इसकी पत्नी ने आत्मदाह कर लिया है, यानी अपने आप को इन्होंने सती कर लिया है, इसने समझा कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो धीरे धीरे ही ऐसी प्रथा फैलती रही। इसके जो महाराजा भानु प्रताप के खानदान में थी, जब ऐसा प्रचलन होने लगा, जब एक ने किया तो धीरे धीरे दूसरा भी करना स्टार्ट किया, जब दूसरा किया तो धीरे धीरे तीसरा किया। ऐसी चर्चा फैली कि महाराजा भानु प्रताप जो है उनके खानदान में, उनके राजघराने में एक उनकी पत्नी गोपराज की जो पत्नी थी वो तो सती हो गई। जब उसने सती हो तो ऐसी जब भावनाओं को सुना, ऐसी बातों को जब उसने सुना उनकी जो और राजा थे उनकी पत्नियों ने, तो उन पर भी इफेक्ट पड़ा। उन पर भी लगा, जो सत्यता के दम पर जी रही थी उनको ऐसा लगा कि हमारा भी जीवन नहीं है, नहीं रहेगा इनके मृत्यु के बाद, जो उनके राजा होते थे पति की, यानी पति की मृत्यु के बाद उनका भी कोई जीवन नहीं रहेगा, उनके जीवन को अभी कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा। तो उन्होंने जो कुछ राजाओं की पत्नियां थी उन्होंने भी जब उनके राजाओं की मृत्यु कर दी गई या उन्हें मार दिया गया, कैसे भी उनकी हत्या जब हो गई, मृत्यु जब हो गई उनकी, तब तो उनकी भी पत्नियों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने वो भी सत्यता के दम पर ही सही सती हो गई।
लेकिन उसमें भी तब उतना ज्यादा नहीं था, जो जिनकी मर्जी होती थी वो सती हो जाती थी, जिनकी मर्जी नहीं होती थी वो नहीं सती होती थी। लेकिन जब ये प्रथा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, जब आगे कुछ समय बीतता गया, जब समय बीता, समय का पहिया नाश्ता रहा, जब नाश्ता रहा तो ये धीरे धीरे और ज्यादा प्रचलित होती गई। जब और ज्यादा प्रचलित होती गई तो प्रचलित होते होते इसने अपना ऐसा साम्राज्य बना लिया, या इस प्रकार से यह प्रथा जो थी वो छा गई कि जिसे खत्म करना अब मुश्किल हो गया था। हालांकि यह प्रथा बहुत ही गंदी थी, क्योंकि भाई किसी की बिना मर्जी के उसे कैसे आप दाह कर देंगे या उसे कैसे आप आग में जला देंगे। तो यह जो प्रथा थी बहुत ज्यादा गंदी होती गई धीरे धीरे। जब समय बीतता गया तो बहुत ही इसने अपना एक जड़ें मजबूत हो गई इसकी। तो फिर इसके बाद जब आगे आया, समय बीतता गया तो इसके बाद जब शासन काल आया हुमायूं का, तो हुमायूं ने ऐसी प्रथाओं को देखा। किसने देखा? हुमायूं ने। हुमायूं के शासन काल में जब ऐसी प्रथाएं थी, प्रचलित थी, तो उसने ऐसी प्रथाओं को देखा और उसको लगा कि यार ये प्रथाएं जो हैं ये गंदी हैं, ये गलत हैं, महिलाओं के प्रति ये अत्याचार की भावना लेके आती है, महिलाओं के प्रति अन्याय की भावना लेके आती है। तो उसने किसने हुमायूं ने अपने शासन काल में इन प्रथाओं को रोकने की कोशिश की, उन्होंने रोक लगाया। लेकिन उनके जो उनकी मेहनत थी रंग तो लाई, लेकिन कुछ ही हद तक लेके आई, उनकी जो सोच थी वो कुछ ही हद तक पॉजिटिव में चल पाई, यानी उनकी जो सोच थी उसको कुछ ही हद तक स्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि जो जो प्रथा थी इसने अपनी जड़ें जो थी वो बहुत ज्यादा मजबूत कर ली थी, तो उसे खत्म करना इतना ज्यादा आसान नहीं था। तो धीरे धीरे करके उन्होंने कुछ हुमायूं ने कुछ कम किया। लेकिन जब हुमायूं के बाद अकबर आए, क्योंकि हुमायूं से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके बाद जब अकबर का शासन काल आया तो अकबर ने भी इस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध, हुमायूं के बाद आए अकबर ने भी अपने शासन काल में इन पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाया। हालांकि प्रतिबंध उनका व्यर्थ नहीं गया, वो भी माना गया, लेकिन उसमें क्या था, कुछ जो महिलाएं थी वो अपनी मर्जी से करती थी और कुछ थी जिन्हें जिंदा जबरदस्ती जला दिया जाता था। तो जो अपनी मर्जी से जलती थी उनकी तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जलती थी। हालांकि इसने अकबर ने उस पर भी रोक लगाया, लेकिन उन्हें रोक नहीं सका। लेकिन उन पर रोक जरूर लगाई जो अपनी बिना मर्जी से जलाई जाती थी, जो बिना मर्जी से जलाई जाती थी। बिना मर्जी से क्या, जब उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो फिर उन्हें जबरदस्ती या उन्हें जला दिया जाता था। ये जो समाज में भावना फैली थी बहुत ही ज्यादा गंदी थी, ये बहुत ही ज्यादा गलत थी, तो उसने इस पर रोक लगा। अच्छा, जो सती होती थी अपनी मर्जी से, यानी अपनी सत्यता के दम पर जो सती होती थी, तो उसको इसने ऑर्डर दिया, मतलब उसके लिए भी एक इसने गाइडलाइन जारी की, आप बिना पुलिस के मुख्य अधिकारी के, आप बिना इनकी अनुमति के आप अपने आप को आत्मदाह नहीं कर सकती, यानी अपने आप को सती नहीं कर सकती। उसने अकबर ने इनके लिए गाइडलाइन जारी कर दी। तो फिर इसने अकबर ने तो हुमायूं से ज्यादा कंट्रोल किया, क्योंकि कोई भी प्रथा हो या कोई भी कुप्रथा हो, कोई भी चालो चलन हो, उसको खत्म करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, धीरे धीरे ही खत्म होता है। तो इसने रोक लगाई, बहुत हद तक इसने रोक लगाई, अकबर ने और हुमायूं ने भी रोक लगाई। फिर इसके बाद शासन काल आया जब ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय का, किसका शासन काल आया, राजा राम मोहन राय का, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। जब इन्होंने अपने शासन काल में देखा कि यार महिलाओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, हालांकि इन्होंने भी रोक लगाई, लेकिन इनका हृदय तब पिघला जब ये एक बार किसी काम से विदेश गए थे। जब ये विदेश गए थे तभी उसी समय जो दुश्मन थे उनके द्वारा आक्रमण किया गया, लेकिन ये तो थे नहीं उस टाइम, ये विदेश गए थे, तब इनके भाई को दुश्मनों ने मार दिया। जब दुश्मनों के द्वारा इनके भाई की हत्या कर दी गई, तब इनकी भाभी ने जब अपने आप को सती प्रथा के द्वारा अपने आप को भी सती कर लिया, तब इनका हृदय जो था वो पिघल गया। कहते हैं ना कि पत्थर हृदय भी कभी कभी पिघल जाता है। तो जब राजा राम मोहन राय ने यह सब घटना को देखा तो इनका जो हृदय था वो एकदम पिघल गया, इनको उस प्रथा ने बहुत ही ज्यादा झकझोर कर दिया। तो इन्होंने सोचा कि यार अरे ये समाज में जो प्रथा फैली है बहुत ही ज्यादा गंदी है, इसको क्यों ना रोका जाए। फिर इन्होंने अंकुश लगाना उस पर स्टार्ट किया, रोकना स्टार्ट कर दिया। फिर इन्होंने ब्रिटिश के शासन काल में अथक प्रयास किया, अथक प्रयास के जरिए इनका जो प्रयास था वो विफल नहीं गया। फिर जो जो ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम,
लास्ट में 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 1829 को फाइनली उसने एक गाइडलाइन जारी की जिसमें सती प्रथा पर बिल्कुल रोक लगा दी गई। ना तो आप मर्जी से कर सकते हैं और ना ही बिना मर्जी से। बिना मर्जी से तो पहले ही रोक दिया गया था अकबर, कुछ हुमायूं के द्वारा और कुछ अकबर के द्वारा। उन्हें बिना मर प्रणाम करते हैं ऐसी कुप्रथाओं को समाज से हटाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो जिन्होंने ऐसे अथक प्रयास करके ऐसी भ्रांतिकारी, ऐसी गंदी कुप्रथाओं को समाज से हटाने का प्रयास किया है। बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जो समाज में फैली, जिसमें से बाल विवाह भी एक है। तो ऐसी समाज जो समाज में भ्रांतियां फैली हुई है, ऐसी गंदगी जो समाज में फैली हुई है, इन्हें निकाल कर फेंकना जरूरी है। तो राजा राममोहन ने राय ने बहुत ही अथक प्रयास किया। तो इस प्रकार से जो सती प्रथा थी उसका अंत कर दिया गया राजा राममोहन राय के द्वारा। ये बहुत ही अच्छा काम था, बहुत ही सराहनीय काम किया था इन्होंने अपने शासनकाल में रहते हुए। तो क्यों ना यार, हर एक महिला को तो जीने का अधिकार है, महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी जीने का तो अधिकार है। तो जो महिलाएं अपने आप से सती हो जाती थी, अपने सत्यता के दम पर सती हो जाती थी, तो उनकी बात अलग है। उन्हें प्रणाम किया जाता है, वो प्रणाम के लायक हैं क्योंकि उन्होंने अपने सत्यता के दम पर अपने आप को समाप्त। लेकिन जो बिचारी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी, जो इस समाज में जीना चाहती थी, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी, अपने बच्चों की देखभाल करना चाहती थी, तो उनके लिए सब जो प्रथा थी बहुत ही ज्यादा गंदी थी। इसको हटाया गया और हर एक माँ को जीने का अधिकार है और हर एक पिता को जीने का अधिकार है, हर एक बच्चे को जीने का अधिकार है। तो ऐसी जो प्रथा थी उन्हें खदेड़ फेंका गया। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में सती प्रथा के बारे में चर्चा कर लिया है। तो यह थी कुछ सती प्रथा की कहानी जिसे हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।